नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है बिहारी न्यूज में। आगे बढ़ने से पहले युवाओं के लिए एक खुशखबरी, आज से हम हर रोज टॉप 5 रोजगार समाचार आपके लिए लेकर आएंगे। इसके लिए आप हमारे नए YouTube चैनल JOBPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे द्वारा जारी किए गए किसी भी अपडेट तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे इस नए YouTube चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दिया बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक के समापन में कुल मिलाकर 19 एजेंडों पर मुहर लगाई है। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई अहम निर्णय भी लिए हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुई इस बैठक में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारियों की नियुक्ति को एक्सटेंड करने का आदेश सुनाया है। इसके साथ ही 31 मार्च और नई नियुक्ति होने तक इन अधिकारियों को कार्यरत रखने का आदेश भी जारी किया गया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पद के लिए निकाली रिक्तियां। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के विभिन्न पदों के लिए 3,864 पदों पर रिक्तियों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में 50% अंक के साथ साथ बीएड या एचटीईटी या एचएसईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.hssc.gov.in पर जाकर 2 मार्च तक आवेदन भर सकते हैं और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने इस चुनावी साल में गढ़ा एक और नया स्लोगन। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं और अब बारी बिहार की है। जहां दिल्ली की जनता ने बिहार की राजनीतिक पार्टियों को तो नकार दिया, मगर बिहार में इन नेताओं को जीत की काफी उम्मीदें हैं। दिल्ली विधानसभा में व्यस्त चल रहे सभी बिहार की राजनीतिक दल अब बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं। इसी क्रम में बिहार राजनीति में चल रहे मशहूर प्रथा में पोस्टर के खेल में राजद ने अपना एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसके तहत राजनीति में एक्टिव मोड में आए तेज प्रताप यादव ने नया पोस्टर जारी करते हुए लिखा है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जहां पर दोनों भाइयों के साथ साथ लालू यादव की तस्वीर भी छपी हुई है। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार ने सुनाया बड़ा फैसला। बिहार के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर की नियुक्ति के मुद्दे पर बिहार सरकार ने अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर की नियुक्ति के गेट और नेट की अनिवार्यता को खत्म कर दी है। इसके साथ ही बिहार कैबिनेट ने पॉलिटेक्निक शिक्षकों और साथ ही अभियंत्रण शिक्षकों की सेवा नियमावली 2020 के गठन को भी मंजूरी दे दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार सरकार ने यह फैसला अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा पिछले वर्ष बनाए गए नियमों को ध्यान में रखकर लिए हैं। बिहार दौरे पर आए शक्ति सिंह गोहिल ने की तेजस्वी यादव से मुलाकात। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जनादेश को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अब बिहार विधानसभा को भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, और इसलिए अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के नेताओं का बिहार का दौरा शुरू हो गया है। इसी क्रम में हाल ही में कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल हाल ही में बिहार दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, जहां पर इन दोनों नेताओं ने बिहार में राजनीतिक माहौल पर चर्चा की। पटना हाई कोर्ट ने निकाली रिक्तियां। पटना हाई कोर्ट में नौकरी की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 27 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का बार काउंसिल का सदस्य होना भी अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 फरवरी तक पटना हाईकोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इंटर की परीक्षा का रिजल्ट आएगा समय पर। इस साल हुए इंटर की परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटा हुआ है। इसी क्रम में परीक्षा को तमाम सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत करवाने के बाद बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के रिजल्ट को भी समय पर जारी करने की तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत बिहार बोर्ड ने कॉपी चेक करने वाले सभी अधिकारियों से कॉपी चेक करते ही छात्रों को मिले अंकों को कंप्यूटर पर अपलोड करने का निर्देश जारी किया है। अधिकारियों के ऐसा करते ही अपलोड किए गए सारे मार्क्स बिहार बोर्ड तक पहुंच जाएंगे। निखिल मंडल ने तेजस्वी यादव को लेकर की टिप्पणी। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा और आरएसएस के सामने झुकने के तंज पर पूरे जदयू की पार्टी ने विरोध किया है, जिसके तहत जदयू नेता निखिल मंडल ने कहा है कि तेजस्वी यादव या तो खुद नासमझ है या जनता को नासमझ मान रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए जो काम किया है वो किसी से भी छुपा नहीं है। तेजस्वी यादव का बस यही एजेंडा है कि कब मुख्यमंत्री बनूंगा और कब अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर पद का फायदा उठाऊंगा। बिहार में 150 वीआईपी के सुरक्षा से हटाए गार्ड के बाद अब वीआईपी के हाउस गार्ड पर है नजर। अपने ऊंचे ऊंचे कनेक्शन के तहत सुरक्षा के लिए गार्ड की तैनाती करवाने वाले सभी 150 वीआईपी गार्ड की सुरक्षा वापस लेने के बाद अब पुलिस मुख्यालय वीआईपी के होम गार्ड को भी वापस बुलाने पर सोच विचार कर रही है। हालांकि अभी इस बात पर कोई मुहर नहीं लगाई गई है, मगर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सूबे के सभी एसएसपी एसपी और रेल एसपी को पत्र भेजकर 4 अहम बिंदुओं पर रिपोर्ट सौंप दी है।
बिहार के सभी पीडीएस दुकानों में लगाएगी पीओएस मशीन। सरकारी अनाज वितरण में हो रही समस्याओं को रोकने के लिए बिहार ने अहम कदम उठाया है, जिसके तहत बिहार के सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीन लगाया गया है। अभी तक पीओएस मशीन से अनाज देने में देश में सबसे पीछे बिहार ही था, मगर अब सबसे आगे निकल चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पीओएस मशीन के माध्यम से 81% लाभुकों को अनाज मिलने लगा है, साथ ही 86% अतिरिक्त लाभुकों का आधार इस मशीन से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही बाकी बचे लाभुकों को भी जल्द ही इससे जोड़ लिया जाएगा। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को जो मन में आए करने की दी सलाह। 17 फरवरी को सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुके नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार भी अब परेशान हो गई है। इसीलिए तो उन्हें रोकने के बजाय सरकार ने उन्हें उनकी मर्जी अनुसार काम करने की सलाह दी है, और साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि मैट्रिक की परीक्षा तय की गई तारीख पर ही होगी, यानी कि मैट्रिक की होने वाली परीक्षा 17 फरवरी को ही होगी। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की। हिंदी भाषा के मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया जिले में 4 मार्च 1921 में हुआ था। फणीश्वर नाथ को उनके पहले उपन्यास के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फणीश्वर नाथ ने प्रारंभिक जीवन में अपनी पढ़ाई भारत और नेपाल से पूरी की। फणीश्वर नाथ के लेखन में काबिलियत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके पहले उपन्यास ने ही लोगों के मन में अपनी अलग पहचान बना ली थी। राबिया आवास के बाहर लिस्ट में नाम खोजते रहे सभी पदाधिकारी। इस चुनावी साल में राजद ने पार्टी की नई कमेटी का गठन किया है, जिसके तहत राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी की चुपचाप मीटिंग बुलाई थी, जहां पर उन्होंने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सही सलीके से काम करने के लिए पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, जगदानंद सिंह ने हाल ही में नई कमेटी के पदाधिकारियों की मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें पार्टी ने लगभग 200 लोगों को आने का आमंत्रण भेजा था, मगर इन 200 नेताओं के अलावा और भी नेता दिन भर राबड़ी आवास के बाहर आते जाते दिखे। सिवान के जिरदई में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह गांव जिरदई भारत के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। सिवान शहर से 13 किलोमीटर पश्चिम में स्थित यह स्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गृह नगर होने के कारण भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। स्वतंत्रता में भूमिका निभाने वाले सिवान का यह शहर सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गवाह रहा है। सच्चाई, सादगी और समर्पण के प्रतीक हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानने के लिए अगर आप सिवान गए हैं तो एक बार उनके गाँव जरूर जाएं। दिल्ली चुनाव में नीतीश शाह का नहीं चला मैजिक। भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का तर्क दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं चला। इतना ही नहीं, जिस सीट के लिए उन्होंने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साथ मिलकर जनसभाएं की, वही सीट दिल्ली विधानसभा चुनाव की सभी सीटों में सबसे बुरी तरह से हार का रिकॉर्ड बनाया है, और वह सीट थी बुरारी विधानसभा की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो बिहार के लोगों से उम्मीद तो बहुत थी, मगर जदयू के शैलेंद्र कुमार को आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने 88,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम के उपराष्ट्रपति पहुंची बोधगया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री मिलिंदा राजपक्षे के बाद अब वियतनाम की उपराष्ट्रपति डोंग थी न्योक थिन बोधगया आई थी, जिसके लिए बोधगया में तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें, 10 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष बोधगया दौरे पर रहने वाले हैं। वहीं वियतनाम के उपराष्ट्रपति के आगमन की बात करें तो डोंग थी ने बोधगया पहुंचकर महाबोधि मंदिर के दर्शन किए, और साथ ही मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। बिहार में अब पावर बैंकिंग का काम हुआ शुरू। बिहार में पावर बैंकिंग का काम जोरों शोर से शुरू हो गया है, जिससे कि अब कम खपत वाले मशीनों की मदद से बिहार राज्य जरूरतमंद राज्यों को बिजली प्रदान करेगी, और जब बिहार को उन बिजलियों की जरूरत होगी तो बिहार सरकार उस राज्य से दिया हुआ बिजली वापस ले लेगी, जिसके तहत बिहार सरकार की बिजली कंपनियों ने निविदा जारी कर दी है। अगर सब कुछ सही चला तो इस महीने के अंत तक पावर बैंकिंग शुरू करने का सारा काम पूरा हो जाएगा। मंगल पांडे ने लालू यादव की कविता का दिया जवाब। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने शायराना अंदाज में लालू यादव के उस ट्वीट का जवाब दिया है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दीनदयाल उपाध्याय वाली तस्वीर को शेयर करते हुए गाने के जरिए तंज कसा था, जिसके जवाब में अब मंगल पांडे ने कहा है कि लालू यादव अब गाना गाए या कवाली 2020 में नहीं होगी उनके बेटे की बहाली। मंगल पांडे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आज जिस तरह से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कविता के जरिए तंज कस रहे हैं, वैसे ही अपने समय में विकास के कुछ गीत लिख देते तो आज शायद रिम्स के बजाय घर पर होते। प्रशांत किशोर से सभी पार्टियों ने किया किनारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत के बावजूद दिल्ली की राजनीति के रणनीति संभाल रहे प्रशांत किशोर से अब सभी पार्टियों ने किनारा करना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले तो जदयू ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, कल तक प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने की मंशा रखने वाली राजद ने भी अब उन्हें अपने साथ शामिल नहीं करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, राजद नेताओं ने तो प्रशांत किशोर को इवेंट मैनेजर का नाम तक दे दिया है।
दिल्ली में जीत के बाद बिहार में भी अपने उम्मीदवारों को उतार सकते हैं आप। आम आदमी पार्टी को एक बार फिर मिली बहुमत की जीत ने यकीनन दिल्ली की जनता का यकीन केजरीवाल में दिखा दिया है, जिसको देखने के बाद अब शायद अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति अन्य राज्यों में आजमाने पर सोच विचार कर सकते हैं। खबरों की माने तो केजरीवाल अब दिल्ली के बाद बिहार में भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल ने शत्रुघ्न साहू को बिहार के चुनाव की तैयारी करने का निर्देश दिया है। हार्दिक पांड्या एक बार फिर लौट सकते हैं मैदान पर। काफी लंबे समय से मैदान से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या जल्द ही मैदान में दोबारा गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते देखे जा सकते हैं। खबरों की माने तो अगले महीने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मैच में हार्दिक पांड्या भी टीम इंडिया के साथ देखे जा सकते हैं। आपको बताते चले, हार्दिक की वापसी की खबर इसीलिए सुर्खियों में आ रही है क्योंकि हाल ही में हार्दिक पांड्या की रूटीन जांच के बाद बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में गेंदबाजी का अभ्यास करते देखा गया था, जिससे कि इस बात के कयासों को हवा मिली है कि शायद पांड्या अब खेलने के लिए पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है। अब चले बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे लोगों को राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में पछुआ हवा चलने के कारण कनकनी महसूस होगी, मगर धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावना है, मगर कुछ जगहों पर बादल छाने की वजह से ठंड में इजाफा हो सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे। फिलहाल ठंड से लोगों को धीरे धीरे राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रही है नहीं। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 13 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,880 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 41,910 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.79 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 69.60 रुपए प्रति लीटर था। अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर हुआ रिलीज। लंबे समय से पर्दे से दूर चल रहे इरफान खान की अपकमिंग फिल्म अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसको देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हैं। इतना ही नहीं, 2 मिनट 25 सेकंड की जारी की गई इस ट्रेलर को देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, ट्रेलर देखने के बाद कई सारे फैंस के भी पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। कईयों ने यह भी लिखा है, इरफान इज बैक। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। इस चुनावी साल में सभी राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतर आए हैं, जहां पर चुनाव में किन मुद्दों पर लोगों से वोट की अपील करनी है उस पर पार्टियां सोच विचार करने का काम करने लगी हैं। इसी क्रम में हाल ही में जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस साल होने वाले चुनाव को लेकर बड़ा बयान जारी किया, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जदयू की रणनीति को साफ करते हुए यह कहा है कि इस साल जदयू बिहार में विकास के मुद्दे पर लोगों से वोट मांगेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उन्हें ब्रज किशोर कुमार, सुनील कुमार, विकास कुमार, मोहम्मद यासीन, बंटी राज, अमित कुमार, रोशन कुमार, पन्ना लाल जौहरी, मुफ्ती मुख्तार, सिंटू कुमार, मिथुन कुमार पंडित, विवेक कुमार, अंकित सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली अपार सफलता के बाद आम आदमी पार्टी को बिहार में भी चुनावी मैदान में उतरना चाहिए क्या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।